बिहार इनके लिए एकदम जरूरी है तो यूपी ले दे के संभल रहा है। बिहार में इनकी सरकार खिसक चुकी है, नेता टिके रहे, इनको पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहे। चुनाव में भूमिहारों की नाराजगी स्पष्ट दिख गई। भाजपा के अलावा ऐसी कोई पार्टी है नहीं जो भूमिहारों को अपना कोर वोट बैंक कहे, इसीलिए उन्होंने एमओआई समीकरण और कुर्मी कुशवाहा समीकरण का एक कार्ड निकाला है, भूमिहार समीकरण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में, मैं आपके साथ कोमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को बिहार आ रहे हैं। बीते 5 महीने में ये तीसरी बार होगा जब अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमित शाह को बिहार का दौरा बार बार क्यों करना पड़ रहा है, आखिर बिहार की इतनी टेंशन उन्हें क्यों सता रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश हैं। सर, क्या लगता है बिहार का दौरा क्यों कर रहे हैं अमित शाह, क्या टेंशन है उनकी और क्या लग रहा है उन्हें कि बिहार फिसल रहा है? देखिए, बिहार उनके लिए बहुत जरूरी है। 2024 का अगर हम देखें तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें बिहार से उनकी उम्मीदें भी बहुत हैं और बिहार उनके लिए चुनौती भी बड़ी है। उसका रीज़न ये है कि पिछली बार जब वो 2019 में चुनाव में गए तो वहाँ उनके साथ जेडीयू थी और क्लीन स्वीप कर दिया, मतलब 40 सीट्स में 39 सीट्स एनडीए के खाते में आ गई, बीजेपी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन सेट करके गए कि 17 में 17 सीटें उसने जीती, 17 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी और सभी 17 सीटें उन्होंने जीत गई। तो अब क्या है कि 2024 में भी बिहार से उनको सीटें चाहिए, क्योंकि 10 साल के जो उनका शासन है, 10 साल के शासन के बाद से एंटी इनकमबेंसी भी रहती है, तो एंटी इनकमबेंसी को अगर बिहार में कमज़ोर पड़ गए, अगर ये इसका इम्पैक्ट बिहार में आ गया, बिहार में कमज़ोर पड़ गए तो यूपी में पड़ जाएंगे, अगर एमपी में पड़ जाएंगे, राजस्थान में पड़ जाएंगे, तो साउथ में तो ऐसे भी नहीं थे, यहीं के स्टेट्स इनके फिसलने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बिहार इनके लिए एकदम ज़रूरी है और इसीलिए अमित शाह से बेहतर कोई विकल्प यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार में क्या है कि नेता बहुत हैं लेकिन बिहार में भाजपा का वैसा नेता जो सबके लिए सर्वमान्य हो ऐसा कोई दिखता नहीं है, तो सेंट्रल वाले नेताओं की ही पूछ ज़्यादा रहेगी, कभी भी वही उन्हीं लोगों का इम्पैक्ट रहता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो जाएँ, अमित शाह हो जाए या बाकी लोग हो जाए। तो अमित शाह का बिहार दौरा इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बिहार गड़बड़ ना होने दें, यूपी को आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जाते रहते हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वो, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, तो वहाँ वो जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, सांसद भी हैं वहीं से, तो यूपी ले दे के संभल रहा है, वहाँ उनकी सरकार भी है, स्टेट में उनकी सरकार भी है, लगातार सरकार, अच्छे मार्जिन से जीती हुई सरकार, तो कहीं भी बहुत यूपी में दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि बिहार में इनकी सरकार खिसक चुकी है, अब खिसकने के बाद से इनके नेता टिके रहें, इनके कार्यकर्ता टिके रहें, इनको पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहे, ये बता सकें कि बिहार में इनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए स्ट्रांग वॉइस की ज़रूरत है जो अमित शाह हैं और इसीलिए वो बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, शहजानंद सरस्वती के जयंती के मौके पर वो पहुँच रहे, तो इसका क्या मकसद हो सकता है, शहजानंद सरस्वती के जयंती पर पहुँचने का क्या मकसद? ये सहजानंद सरस्वती थे तो किसान नेता लेकिन बिहार में बन गए भूमिहार नेता। अब बिहार में क्या है कि भूमिहारों का साथ ज़रूरी है, ये भाजपा ने पिछले कुछ चुनावों में समझा है, भाजपा के साथ भूमिहार रहे भी हैं, इसमें कहीं कोई उनकी दिक्कत नहीं है, गिरिराज सिंह जैसे नेता उनको आज भी उनके लिए खड़े रहते हैं और भूमिहार की एक बड़ी जनसंख्या उनको अपना नेता मानती है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं थी। लेकिन क्या है कि लगातार लोगों को साथ जोड़ने के लिए कंटेम्प्रेरी नेताओं को अगर आगे करेंगे तो दिक्कत होगी, तो सहजानंद सरस्वती से बढ़िया विकल्प उनको मिल नहीं सकता, तो किसान नेता को इन्होंने बना दिया भूमिहार नेता। अब भूमिहार इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखिए, तो पिछले कुछ चुनाव को देखिए, 2020 से ही देखते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं, 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, भाजपा बहुत बढ़िया से 73 सीटें 74 सीटें जीत गई, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, भूमिहारों का उनको सपोर्ट मिला, लेकिन भाजपा के साथ लड़ी जेडीयू 43 सीट्स पर आ गई, उसका रीज़न भूमिहार ही थे। आप देखिए कि भूमिहारों की नाराज़गी नीतीश कुमार से ज़्यादा है, भाजपा पर वो कम नाराज होते हैं, कई बार हुए हैं, लक्ष्मण राय का जो मामला था और भी दूसरे जो नेताओं के इश्यूज रहते हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी भाजपा से एक एक्सटेंट के बाद नहीं जाती है, एक एक्सटेंट तक वो रहते हैं, एक आध चुनाव में उनको नुकसान होता है, नुकसान हुआ था बोचहां सीट पर उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में भूमिहारों की नाराजगी स्पष्ट दिख गई और दिखी भी ऐसे कि भाजपा वहां से हार गई और भूमिहारों ने आरजेडी के कैंडिडेट को वोट दे दिया, तो
कहने के लिए सिंपल है कि अगर भूमिहार भाजपा को हराने के लिए आरजेडी को के साथ जा सकते हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार की क्या गति की थी ये भी क्लियर है। नीतीश कुमार जितनी सीटों पर लड़े उतने सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा लड़ी, तब लोजपा उसका नाम था, तो चिराग पासवान की लोजपा लड़ी और भूमिहारों ने उनको वोट दे दिया। तो भूमिहारों का वोट भाजपा के कैंडिडेट्स को मिला लेकिन एनडीए के जो घटक दल जेडीयू थी उनको नहीं मिला। तो दो चुनाव का हिसाब किताब देख लीजिए जिसमें भाजपा को हार हुआ है, भूमिहारों के नाराज होने के कारण नुकसान हुआ है, जेडीयू को नुकसान हुआ है क्योंकि भूमिहार उससे नाराज थे और अग्रेसिव होकर उनके खिलाफ वोटिंग की। अब तीसरा देखते हैं हम, कुढ़नी का विधानसभा उपचुनाव था, तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव बहुत क्रूशियल था। वहाँ मनोज कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट थे, गुप्ता जी थे इनके भाजपा के, केदार गुप्ता थे भाजपा के कैंडिडेट, लेकिन वहाँ भूमिहारों की जनसंख्या ठीक ठाक है। हाँ बिल्कुल, ये आप 40,000 के आसपास है, तो 40,000 वोट विधानसभा में एक मायने रखता है। अगर 40,000 वोट नहीं भी पड़ते हैं, 20,000-25,000 ही पड़े या और भी कम पड़े, लेकिन अग्रेसिव होकर जब वोटिंग ये कम्युनिटी करती है तो बाकी लोगों को जोड़ते हुए दिखा देती है कि सीट उनकी, सीट जेडीयू ने नहीं जीती, भाजपा ने जीती। मोकामा देखिए, तो मोकामा में भाजपा हार गई लेकिन डिस्टेंस कितना कम कर दिया, मार्जिन वोट का काफी कम, बहुत कम हो गया। तो उसके पीछे भूमि भाजपा समझ गई है कि भूमिहारों का वोट उनको चाहिए बिहार के विधानसभा सीट, विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, ये चीज़ बाकी पार्टियां भी समझ रही हैं क्योंकि आप देखें ना कि बीजेपी को छोड़कर भी आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर कांग्रेस को ही ले लीजिए, कांग्रेस भी अब भूमिहार नेताओं को साधने की कोशिश में है। अपने प्रदेश अध्यक्ष बिहार का उन्होंने भूमिहार नेता को बनाया है, अखिलेश प्रसाद सिंह को बनाया है, तो क्या बाकी पार्टियां भी इस बात को समझ रही हैं कि भूमिहार को अगर उन्होंने साध लिया तो ईजी हो जाएगा विधानसभा चुनाव? देखिए, भाजपा के अलावा ऐसी कोई पार्टी है नहीं जो भूमिहारों को अपना कोर वोट बैंक कहे। भूमिहार अरसे से भाजपा को सपोर्ट करते रहे हैं कई सीटों पर। अखिलेश प्रसाद सिंह नेता भूमिहार हैं लेकिन दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन उससे भूमिहारों का समर्थन कांग्रेस के साथ नहीं किया। आप याद कीजिए, अखिलेश प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े, बुरी तरह हार गए, वहाँ से भाजपा ही जीती। तो ये भाजपा को छोड़कर जो दूसरे दल हैं यानी कि जेडीयू आरजेडी, इनकी टेंशन दूसरी है। जेडीयू और आरजेडी की टेंशन ये है कि जेडीयू कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक बचाए, इधर फिसल रहा है उनका, कुशवाहा जी नाराज दिख रहे हैं, हॉस्पिटल में है, भाजपा नेताओं का जमघट लग रहा है, तो उधर एक उनका वोट बैंक उधर खिसक रहा है, तो नीतीश कुमार के बाद क्या कुर्मी वोट बैंक भी उधर चला जाएगा, ये उनकी टेंशन है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन भूमिहार नेता सर्वमान्य वो नहीं है ना, तो बहुत जो भूमिहार हैं वो ललन सिंह को पसंद नहीं करते हैं, कुछ अखिलेश सिंह को नहीं पसंद करते हैं, कुछ सीपी ठाकुर को नहीं पसंद करते हैं, कुछ गिरिराज सिंह को नहीं करते हैं, सबका अलग अलग है। भाजपा ने भी अपना खेला है, जहां अखिलेश प्रसाद सिंह को अगर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, विजय सिन्हा को भाजपा ने बना दिया है, बिल्कुल, तो वो चेक एंड बैलेंस वो करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि ग्राउंड पर जाने के लिए इन दोनों आरजेडी और जेडीयू के पास क्राइसिस ये है कि वो अपना मुस्लिम यादव वोट बैंक बचाए, ये अपना कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक बचाए, उसके बाद ना तीसरे पर बात करेंगे। तो अभी क्या है कि भाजपा इस तरह से कभी अग्रेसिव होकर नहीं काम करती है, लेकिन उसने सोच लिया है कि नहीं, ये वाला चंग हमको चाहिए क्योंकि मेरा विरोध होगा तो वो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, मतलब भाजपा के लिए। तो भाजपा के लिए जब नुकसान हो जाएगा तो भाजपा उस नुकसान को खत्म करने के लिए किसी हाल में भूमिहारों को चाहती है और भूमिहारों को ले आने का इसने एक प्रयास किया है। सहजानंद सरस्वती से बढ़िया विकल्प क्या हो सकता है कि आप थोड़ा सा मतलब धार्मिक भी हो जाएंगे, थोड़ा जातीय समीकरण भी साध लेंगे, थोड़ा बौद्धिक भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो अमित शाह के एक मतलब कार्यक्रम में आ जाने से भाजपा तीन चार अपने समीकरण साध सकती है, इसीलिए उन्होंने एमओआई समीकरण और कुर्मी कुशवाहा समीकरण का एक काट निकाला है भूमिहार समीकरण। अच्छा, क्या लगता है बिहार में अमित शाह के लिए क्या चैलेंज है? क्या भूमिहारों को अपने पाले में लाना, भूमिहारों की नाराजगी ही उनके लिए चैलेंज है या फिर और भी कुछ चैलेंज? चैलेंज बहुत है। देखिए क्या है कि बीजेपी अकेले लड़कर बहुत अपना गंवा चुकी है और उस पोल खुल जाती है इनकी। आप 2015 का चुनाव देखिए तो उनके साथ जीतन राम मांझी थे, रालोसपा थी, लोजपा थी, सभी टाएँ टाएँ फिर 60 सीट नहीं पहुंच पाए, मतलब आप 25% सीटें भी नहीं जीत पाए, 175 सीटें जीत गई महागठबंधन। तो जैसे ही एक फोर्स ये अलग होता है इनसे, जेडीयू इनसे अलग होता है, तो इनकी कलई विधानसभा में खुल जाती है, लेकिन फिर आप बाउंस बैक करते हैं। मतलब जेडीयू के आते ही 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39, बिहार में कभी ऐसा हुआ नहीं था और ये हो गया। 2020 के इलेक्शन में भाजपा ने सरकार तो बना ली थी ना,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स पूरे थे। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं बाहर से नंबर लाने पड़े थे, उनके पास 122 अगर नंबर चाहिए तो 122 प्लस थे, 125 27 ही थे। ठीक है, बहुत लार्जर मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन मेजोरिटी तो थी, सिंपल मेजोरिटी ही सही, सिंपल मेजोरिटी थी। यहाँ तो माइनॉरिटी की भी सरकारें चलती रहीं। तो भाजपा के पास क्राइसिस ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से ऐसा कोई समीकरण अपने पाले में जोड़े, जैसे पासवान समीकरण उन्होंने साथ दिया चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान सॉफ्ट दिखते रहे हैं, भाजपा से एकदम सॉफ्ट हैं, कभी उनकी कोई खिलाफत नहीं रही है, भाजपा के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, एनडीए में शामिल नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं गठबंधन करना होगा, हम 24 में करेंगे, 25 में, हाँ चुनाव के टाइम में करेंगे, सोचेंगे। लेकिन कुर्नी के उपचुनाव में वही प्रचार करने गए, गोपालगंज में वही गए, मोकामा में वही गए, तो उनको उन्होंने साथ दिया। तो पासवान वोट बैंक ये मान के चल रहे हैं कि हमने साथ लिया। तो एक पासवान साथ लिया, कुछ इनकी अगड़ी जातियाँ आपके जो ओबीसी के कैटेगरी की कुछ वोट्स है तो वो इन्होंने साथ लिया, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा, अग्रेसिव वोटिंग कराने वाली एक कम्युनिटी उनको चाहिए, वो नहीं है इनके पास। जैसे जेडीयू के पास कुर्मी और कुशवाहा, अगर वो उनके पास मान के चलते हैं कि लार्जर उनको वोट करता है तो वो एक ठीक ठाक है, चूँकि उनकी परसेंटेज ठीक ठाक है, दोनों मिल जाते हैं तो ठीक ठाक परसेंटेज आ जाता है। जैसे आरजेडी के पास मुस्लिम और यादव एक मुश्त वोट बैंक है, बीजेपी के पास वो क्राइसिस है, क्योंकि जो ईबीसी जातियां हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सपोर्ट में दिखती रही हैं। नीतीश कुमार के साथ जैसे ही कोई फोर्स जुड़ता है वो उन जातियों का प्रभाव दिख जाता है। तो क्या है कि भाजपा चाहती है कि अब उसके भी साथ में कुछ लोग रहें, और ऐसे लोग रहें जो अपना वोट भी दें, दूसरों का भी दिलवाएं, एक माहौल बनाएं भाजपा के पक्ष में। इसलिए वो उनके लिए ज़रूरी है, और उनकी क्राइसिस भी यही है कि उनके पास वोट बैंक का चंक नहीं है, अग्रेसिव वोटिंग करने वाला नहीं है। अग्रेसिव वोटिंग करने वाला उनके पास ठीक है, पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बना दिए, लेकिन एक बिहार है ना, बिहार में क्या है कि कास्ट जब तक आपसे बिल्कुल अटैच नहीं होता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अटैच करने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। जो कहा भी जाता है कि बिहार में जाति ही मायने रखती है, पॉलिटिक्स, बिहार के पॉलिटिक्स में जाति ही मायने रखती है, और पिछले 30 साल से हम लोग ये देखते भी आए हैं। लेकिन क्या लगता है कि भूमिहारों का साथ बीजेपी को मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये कहना अभी संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि एक सीट से ये समर्थन जुड़ भी जाता है, दूसरे ही सीट पर ये समर्थन कट भी जाता है। और क्या है कि भूमिहार अगर अग्रेसिव होकर भाजपा के खिलाफ नहीं भी जाएंगे तो भी अगर इनके मन में नाराजगी रह जाएगी तो ये साइलेंट हो जाएंगे, अपने वोट नहीं देंगे, दूसरों का वोट को ये इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, नहीं प्रचार में उतरेंगे। और एक मतलब अग्रेसिव जो चुनावी कैंपेन का जो एक मॉडल बनता है उसमें अग्रेसिव अगर प्रचार नहीं होगा तो अब आप नहीं जीत सकते हैं, अग्रेसिव प्रचार जरूरी है। तो इसके लिए क्या है कि भूमिहारों का इनको साथ जरूरी है, और ये मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो उस समय तय होगा, लेकिन उस समय तय होगा इस चक्कर में ये छोड़ नहीं सकते ना, तो कोशिश लगातार करनी पड़ेगी। इसीलिए अमित शाह लगातार इसी में लगे हुए हैं, बार 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 अलग अलग चंक्स में ये जुड़ते रहें। आप देखिए कि विवेक ठाकुर भी वही कह रहे हैं कि सहजानंद सरस्वती के बातों को मतलब कि किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी, खेल गए वो सहजानंद सरस्वती को किसान नेता से भूमिहार नेता बनाकर, उन्होंने बहुत खूबसूरती से खेल लिया। अब स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी की तो बात अभी है नहीं, अभी तो कोई स्वतंत्रता का आंदोलन तो चल नहीं रहा है, अभी है राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक बातें हो रही हैं। तो ये राजनेता हैं तो ये बहुत खूबसूरती से स्वतंत्रता सेनानियों को इधर भी डाल लेते हैं और अपने तरीके से निकाल लेते हैं। तो अब जो आ रहे हैं अमित शाह, तो इसमें इनकी वही कोशिश रहेगी कि ये कम्युनिटी इनके साथ अटैच हो जाए, होगी नहीं होगी ये सब बाद की बात है, लेकिन कोशिश इनकी पूरी यही है और इंटैक्ट कोशिश है, सफल कोशिश होगी नहीं होगी, लेकिन एक मतलब पॉजिटिव कोशिश है कि ताकि उनके लिए ये फायदेमंद रहे। अच्छा, महागठबंधन के लिए अभी एक टेंशन, उपेंद्र कुशवाहा भी बने हुए हैं, बीजेपी नेता जब उनसे मिलने गए तो ये कयास लगाए जाने लगे कि अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा का ये क्या आगे का होने वाला है? बहुत मुश्किल है उपेंद्र सर, मैंने कुशवाहा का माइंड रीडिंग जो है उनकी बहुत मुश्किल है, वो नीतीश कुमार की तरह ही टफ हैं, मतलब आप माइंड रीड नहीं कर सकते हैं, कभी ये इधर बहते हैं कभी उधर बहते हैं, खेल चल रहा है ज़रूर, क्योंकि अगर भाजपा के नेता मिलेंगे तो मतलब इतना थोड़े ना उनसे प्यार मोहब्बत है कि एकदम उनके जाते ही सिर्फ भाजपा के ही नेता आ रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ खेल तो चल रहा है, बार्गेनिंग चलेगी, बार्गेनिंग में क्या सब होगा, कॉन्सिक्वेंसेज होगा। उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी पार्टी तक बंद कर दिए, जब पार्टी बंद कर दिए तो फिर नई पार्टी से लड़ेंगे तो भाजपा उन्हें लेगी, एक और नीतीश कुमार बनाएगी, नहीं बनाएगी या भाजपा में ही शामिल हो जाएंगे, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा अभी दोनों साइड देख रहे हैं, किधर में उनको मिल जाए और उधर वो निकल लेंगे। तो अभी क्या है, कुढ़नी वाला जो
रिजल्ट रहा ना, उनके लिए शॉकिंग रहा। बार बार वो चर्चा भी करते हैं कि नहीं नहीं मैंने कहा था कि वहाँ फिसल रहा है, फिसल रहा है। किसको कहा, कौन नहीं सुना बताइए नाम। ललन सिंह ने नहीं सुना, उमेश कुशवाहा ने नहीं सुना, नीतीश कुमार ने नहीं सुना, तो आप बताइए नाम। तो नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहाँ हमने कहा था कि ऐसा ऐसा दिक्कत है और वो नहीं मतलब हुआ। तो उनको भी वहाँ दिखा कि वहाँ कुशवाहा वोटरों ने भी जेडीयू को वोट नहीं दिया। तो कुशवाहा वोटरों की, जब कुशवाहा वोटर ही निकल जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रह के करेंगे क्या, कहीं ना कहीं उनको अपना ठिकाना भी ढूंढना होगा। तो इन सब चीज़ों का अब इसमें पकने में भी टाइम लगेगा, लेकिन इंक्लिनेशन जो उनका दिख रहा है वो टुवर्ड्स भाजपा या टुवर्ड्स अगेंस्ट महागठबंधन दिख रहा है। क्या ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की तो चाह थी उप मुख्यमंत्री बनने की, तो क्या नीतीश कुमार ने तो सिरे से खारिज कर दिया इस बात को, तो क्या टीस एक है जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का ये दिखा रहे हो? उनकी टीस लंबे समय से है। आप मतलब एक पार्टी के मुखिया को अपने पूरी उसकी पार्टी को तोड़कर विलय करा लिया अपने में और उसको पोस्ट कुछ दिया नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया, मंत्री भी नहीं बनाया, कोई ऐसा पोस्ट पार्टी का ही फुल कंट्रोल दे। उपेंद्र कुशवाहा तो खुद भी कहते रहे हैं कि 2 साल से पार्टी ने मुझे यूज ही नहीं किया, मैं जिस काबिल हूँ उसका पार्टी ने फायदा ही नहीं उठाया। बिल्कुल, तो कहते हैं कि नेट में बैठे हुए हैं, वो ग्राउंड पर खेलने वाले हैं। तो ग्राउंड पर खेलने वाले हैं तो मौका ना पार्टी में मिला ना संगठन में मिल रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, कोई मतलब नहीं है इस बात का। पार्लियामेंट इलेक्शन में किसको टिकट मिलेगा थोड़े ना उनसे पूछ के ये तय होगा, ये तय करेंगे नीतीश कुमार। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ये तय नहीं करेगा कि जेडीयू से किसको टिकट मिलेगा। जेडीयू से उसी को टिकट मिलेगा जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे। ब्रीफ ये कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन मनमर्जी जो है वो चलेगी नीतीश कुमार की। यही होता रहा है, आगे भी यही होगा, इससे बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, बहुत डेमोक्रेसी वहाँ आने वाली नहीं है। लेकिन इसलिए उस पोस्ट का कोई मतलब नहीं था। सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बनाया, सीएम नहीं बनाया, इनको सब चाहिए, ये अपने सीएम भी रहेंगे, पीएम भी बनेंगे और उनको कुछ दे नहीं रहे, जबकि महत्वाकांक्षा तमन्ना तो उनकी भी है। तो उनको जब अपने मन मुताबिक नहीं मिल रहा है तो उससे अच्छा तो भाजपा के साथी थे, कम से कम केंद्र में मंत्री थे, यहाँ क्या रहे, कुछ नहीं रहे, सांसद भी नहीं बन पाए, जिता भी नहीं पाए चुनाव, तो फिर बात खत्म हो गई ना। इसीलिए कह रहा ये उपेंद्र कुशवाहा है, अभी दोनों साइड तौल रहे हैं, जिधर इनको ठीक ठाक मिल जाएगा उधर ये अपना साल डेढ़ साल के लिए निश्चिंत होने वाली पोजीशन चाहते हैं, तो वो मिल जाएगा तो उधर शांत हो जाएंगे, भाजपा से मिल जाए इधर से मिल जाए। देखिए, अब भूमिहारों को बीजेपी साथ पाती है नहीं, भूमिहार बीजेपी को वोट करते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अमित शाह के बिहार दौरे से महागठबंधन की टेंशन जरूर बढ़ गई है। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।